तो आज हम लाए हैं आरसी 200 एंड मॉडल का आईजीबीटी पर आधारित वेल्डिंग मशीन इन्वर्टर रिपेयरिंग में। हल्की ये मशीन तो ऑनलाइन मंगाई गई थी अमेजोन से, लेकिन ये बहुत ही हल्की पॉट से है। आप मार्केट से ले तो ही बेहतर है, ऑनलाइन पर बचें। इसमें कंडेंसर जो 400 वोल्टेज के बहुत ही छोटे वाले लगाए गए थे, और इसमें जो फॉल्ट था कि इसमें जो आईजीबीटी थी 40 एंड 65 है वो शॉर्ट कर गई थी। और इसमें कंडीशन ये था कि अमेजोन वाले ने इसको रिपेयरिंग करने से भी मना कर दिया, इसकी गारंटी के बाद भी हमने इसको रिपेयरिंग किया इसको। और इसका जो मॉस्फेट जो था ये शॉर्ट था, यहाँ पर हमने इस मॉस्फेट को नया डाल दिया है। ये हमने चेक करने के लिए निकाले थे। और इसमें हमने जो लगाया थी पर जो मॉस्फेट, इसमें जो मॉस्फेट थी 40 एंड 65 वो मार्केट में उपलब्ध नहीं है। इसके जगह पर मैंने पिछले वीडियो में बताया आपका कि 40 एंड 60 के मॉस्फेट लगाइए और आपका काम करेगा। कोई भी मॉस्फेट हो, 20 एंड 50 हो, 30 एंड 70 हो, कोई भी ऐसे हो मॉस्फेट हो, अगर काम नहीं कर रहा है, मार्केट में उपलब्ध नहीं है, तो आप 40 एंड 60 के मॉस्फेट लगा दीजिए, आपका वर्किंग जो है चालू हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब इसमें चालू है। इसको हम टेस्ट कर देते हैं। ये हम लाइट दिए, डीसी फैन ऑन हो गया है, आवाज़ आ रहा होगा। और ये देखिए वोल्टेज बर्फ कर्म कर रहा है। इसमें जो सिग्नल था कि जब मॉस्फेट शॉर्ट होती है तो ओसी लाइट जलती है, ओसी लाइट बंद हो गई है। बहुत बार ऐसे रियल केस आ रहे हैं कि ओसी लाइट नहीं जल रही है, उसके बाद ही मॉस्फेट शॉर्ट है, तो उसकी टेक्निक मैं अगले वीडियो में बनाऊँगा। तब तक के लिए आप और वीडियो पर जुड़े रहें और हमारे चैनल को देखते रहें, ऐसे सोनू एम के भी साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करें।